प्रागपुरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए प्रागपुरा थाना अंतर्गत ग्राम पंडितपुरा निवासी 47 वर्षीय सुरेश पुत्र ग्यारसी लाल जांगिड़ उम्र को पुलिस द्वारा अवैध हथियार बनाने के पूरे साजो सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव, प्रागपुरा थाना इंचार्ज प्रशिक्षु ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय की मौजूदगी में खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के अनुसार निकटवर्ती ग्राम पंडितपुरा में सुरेश कुमार द्वारा विगत 2 वर्षों से अवैध हथियार बनाए जाने का कार्य किया जाता रहा है। इस दौरान उसके द्वारा अवैध हथियार आसपास के इलाके में सप्लाई किए गए हैं, विशेष रूप से एक नली की बंदूकें ज़्यादा बनाई गई है। पुलिस को उम्मीद है अन्य हथियारों से जुड़े मामले का शीघ्र ही और हो सकेगा खुलासा। यहाँ प्रागपुर SHO ब्रिजेश जी उपाध्याय IPS प्रोबेशनर द्वारा मुखबिर की सूचना पर यहाँ से पावटा के पास में पंडितपुरा गांव है, वहाँ पे रेड की गई। उसमें घर में अवैध हथियार बनाने का कारखाना हमने उसमें पकड़ा है। उसमें हथियार बनाने के सारे साजो सामान मिले हैं, जिसमें कि बट है, ट्रिगर है, अन्य जो बैरल है, अन्य जो सामान है उसको मोल्ड करने के जितने भी साधन होते हैं, हथौड़ी है और है, जितना सामान उसके लिए चाहिए, करोती, लोहे की गाटर, लोहे काटने की मशीन, अन्य जितने भी बोर करने की जो मशीन है, सभी चीज़ें इसमें बरामद हुई है। पिछले 2 साल से मुलजिम द्वारा अवैध हथियार बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में सुरेश पुत्र रामजी लाल जांगिड़ को, जो कि 45 वर्ष का है, इसको गिरफ्तार किया हमने। और इससे पूछताछ के दौरान ये बात आई है कि इसने काफ़ी हथियार बना के इधर उधर आसपास के एरिया में सप्लाई किए हैं। एक नाले की बंदूक ज़्यादातर इसने बनाई है, अन्य भी हथियार बनाए हो सकते हैं, इसके बारे में पूछताछ जारी है। और जल्दी ही आसपास जहाँ पे ये इसने सेल किए हैं उनको पकड़ के और वो हथियार भी बरामद करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे IPS प्रोफेशनल साहब द्वारा यहाँ ज्वाइन करने के बाद काफ़ी कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ हुई है, जिसमें अब तक करीब 10 कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें कट्टे, बंदूक, कारतूस पहले भी बरामद हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें अवैध हथियार बनाने का पूर्ण कारखाना, जो कि संपूर्ण किसी भी तरह का हथियार इससे बनाए जा सकते हैं, कट्टे भी बनाने में कोई ये नहीं है कि पूरा जितना सामान है वो अवेलेबल हुआ है, रॉ मटेरियल उसके लिए जितना चाहिए वो बरामद हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कार्रवाई प्रागपुरा पुलिस और यहाँ के जो CO साहब हैं दिनेश जी यादव, उनके द्वारा की गई है।